नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशुलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बड़ी खबर, यूपी एग्रीटेक का नीति 2024 पर मोहर लगी है। जो बड़ी जानकारी, कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विकास दर को 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जो जानकारी आ रही है। बता रहे हैं आपको, 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है जो जानकारी। कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और कृषि विकास दर को 20% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एग्रीगेट नीति 2024 पर मोहर, कृषि विकास दर को दोगुना करने। तो आपको बता दें योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर मोहर लगी है, कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विकास दर को 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। कृषि विकास दर को 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर मोहर लगी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कृषि विकास दर को 20% करने का लक्ष्य इस बीच रखा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सदन में दिए गए हिंदू वाले बयान को लेकर बीजेपी नेता लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं अब चौधरी भूपेंद्र सिंह और साथ ही दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अज्ञानी और मूर्ख लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। कुछ ज्यादा उत्साह में विपक्ष दिख रहा है और शायद उनको पता नहीं है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए समाज को गुमराह न करें, एक संवैधानिक पद पर हैं उसके गरिमा का ख्याल रखें और सदन की मर्यादा का ख्याल रखें। राहुल गांधी का बयान बिल्कुल अशोभनीय है और उन्होंने हिंदू समाज की भर्त्सना की है, निंदनीय। भारत के सभी 130 करोड़ जो भी जितनी जनता भारत की, उसका अपमान है, भारतीयों का अपमान है, हर धर्म के लोगों का अपमान है। कोई धर्म इजाजत नहीं देता कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी की जाए, और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है उसका जवाब अगले चुनाव में जनता देगी और उसके लिए शर्मसार है। उसी से पता चल जाता है कि ऊपर क्या है अंदर क्या। मैंने पहले भी कहा था उनके बारे में कि वो जब भी होता किस तरीके से पेश आते हैं, और देखो दिल के अंदर रहने वाली बात बाहर आ गई कि किस तरीके से उनके अंदर क्या है। आप राहुल जी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आजादी से आज तक लेकर देश का अपमान ही किया है, देश में रहने वाले लोगों का अपमान करना है और जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद का संघर्ष करवाना है। राष्ट्र शांति के मार्ग पर चले, विश्व में शांति हो, लोग वृक्षारोपण करें, जल संचय करें और देश सुरक्षित रहे और आतंकवाद मुक्त रहे, जातिवाद मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, परिवारवाद, वंशवाद मुक्त होकर एक गरीब के कल्याण के लिए काम करें। अब विपक्ष में बैठ कर रहे तो कैसे सत्ता पक्ष भी और गरीबों के लिए क्या कर सकता है, उसकी चिंता करनी चाहिए। आप
उलझुल का भाषण देते रहेंगे, इससे देश को कोई देश का कोई है नहीं। राहुल गांधी का बयान बहुत ही दुखद है। भारत के हिंदू समाज के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और आने वाले समय में हिंदू समाज इसका जरूर अपने मन में पीड़ा महसूस करेगा और आने वाले समय में इसका जवाब अवश्य राहुल गांधी जी को मिलेगा। राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूल है कि हिंदू समाज को और पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं। हिंदू समाज जैसा सहिष्णु और टॉलरेंट और अहिंसक समाज इस पूरी सृष्टि में नहीं हुआ है, पूरी धरती पर नहीं हुआ है। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी के बयान का मायावती ने जिक्र किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें राहुल गांधी के बयान का मायावती ने जिक्र किया है अपने सोशल मीडिया एक्स पर और लगता है बीजेपी राहुल के बयान का फायदा उठा रही है। तो कांग्रेस का इन्हें अवसर देना कितना उचित है, ये सवाल यहां पर खड़े किया। सत्ता और विपक्ष को गंभीर होने की बेहद जरूरत है और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात का जिक्र किया है। लगता है बीजेपी राहुल गांधी के बयान का फायदा उठा रही है। सत्ता और विपक्ष को गंभीर होने की बेहद जरूरत है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और राहुल गांधी के बयान का मायावती ने अपने इस पोस्ट में जिक्र किया है। लगता है बीजेपी राहुल के बयान का फायदा उठा रही है। कांग्रेस का इन्हें अवसर देना कितना उचित है, सत्ता और विपक्ष को गंभीर होने की जरूरत है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी के बयान का मायावती ने जिक्र किया है और लगता है कि बीजेपी राहुल के बयान का फायदा उठा रही है। कांग्रेस का इन्हें अवसर देना कितना उचित है, सत्ता और विपक्ष को गंभीर होने की जरूरत है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात का जिक्र किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का इन्हें अवसर देना कितना उचित है, ये सवाल भी उन्होंने अपने इस सोशल मीडिया हैंडल पर इसका जिक्र किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, मानहानि मामले में राहुल गांधी पर हुई सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। सुल्तानपुर कोर्ट ने जारी किया आदेश, तो 26 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर चल रहा है केस, ये बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की थी एक टिप्पणी, तो बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दाखिल किया था केस, तो सुल्तानपुर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। 26 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी मानहानि मामले में राहुल गांधी पर सुनवाई। जी हाँ, सुल्तानपुर कोर्ट ने जारी किया आदेश, 26 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में। ये केस राहुल गांधी पर चल रहा है, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद, जिसके बाद सुनवाई हुई है। आपत्तिजनक टिप्पणी जो कि अमित शाह के ऊपर की गई थी, बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने रोहरन लाल मौर्य को बनाया उम्मीदवार, सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन में मौजूद रहे, तो दोनों डिप्टी सीएम भी नामांकन में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलसी उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की खाली सीट पर चुनाव जो होने जा रहा है। रोहन लाल मौर्य ने नामांकन किया है, बीजेपी ने मोहरन लाल मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है सीट पर।
बढ़ेंगे आगे। उधर लोकसभा में ईवीएम पर समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। मैं 80 से 80% सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पर भी लगा है। और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उधर राहुल गांधी के बयान पर लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बार बार लॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी को हिंदुओं पर बयानबाजी करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। लगातार असफलता के बाद, बार बार लॉन्च होने के बावजूद, फेल होने के बाद राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो कल संसद में उन्होंने पहला उद्बोधन दिया है, उसमें झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ उनका उद्बोधन था। इतना ही नहीं, उनका अपने भाषण के दौरान आचरण भी संसदीय गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। लोकसभा में चर्चा के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता बस एक भी शब्द नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने न केवल झूठ बोला बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल का ज्ञानवर्धन करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम ना करें। उधर इटावा जनपद की तहसील से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर अरूरा गांव है, जहां पर कई परिवार पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष संगीता राजपूत मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने इन गरीबों से पानी के संकट के बारे में जाना। वहीं गरीब परिवारों ने बताया कि हम गरीबों की कोई सुनने को तैयार नहीं, नेता लोग वोट मांगने आते हैं और पानी की सुविधा का भरोसा देकर वोट ले जाते हैं। भाई ये 10 साल से जनता जो रूरा की है, कम से कम 5 घर हैं, 5 घरों में लगभग 25 लोग रह रहे हैं। उनको पानी की इतनी विकट समस्या है कि पानी भरने के लिए कितना किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चे पानी भरने जाते हैं पीने के लिए, महिलाएं भरने जाती हैं, बूढ़ी बुजुर्ग भरने जाती हैं। और बच्चे कैसे नहाएंगे, कैसे कपड़े धोएंगे,
और सारे दिन का सारा काम तो घर में पानी का ही होता है। और कहावत में भी कहा गया है, जल है तो जीवन है, जब जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से आएगा। और इन लोगों ने प्रधान से भी गुहार लगाई, जो लोग वोट मांगने आए उनसे भी गुहार लगाई, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज दिन तक नहीं हो पाया। पानी की समस्या आ गई, पानी नहीं है यहाँ पे, दूर दूर पर पानी की कोई समस्या नहीं, पानी नल यहाँ पे है नहीं, खाना बनाने में, नहाने धोने में, साफ सफाई में पानी की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, पानी बहुत दूर से घर के जाना पड़ता है, यहाँ पे नल नहीं है खाली। चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। आगरा में परिवार परामर्श केंद्र पर पति पत्नी में झगड़ा, काउंसलर ने दंपति को दी अगली तारीख, एक बार फिर होगा दोनों को समझाने का प्रयास। बाराबंकी में आम महोत्सव का आयोजन, 110 से अधिक प्रजातियों के आम रहे आकर्षण का केंद्र, लोगों में आमों के प्रति दिखा उत्साह। हमीरपुर में सरकारी बीज गोदाम में हुआ हादसा, बीज से लदे लोडर को पीछे करते समय कंडक्टर की दबकर हुई मौत, तब पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। नोएडा के कंपोजिट विद्यालय सेक्टर 12 में जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ, अभिभावकों से की अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील। मैनपुरी में नए कानून के तहत दर्ज हुई पहली FIR, महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला, SP ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। फिरोजाबाद में मामूली बात को लेकर दबंग ने महिला की जमकर की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में तमंचे के नोक पर होमगार्ड कंपनी कमांडर के भतीजे का अपहरण, पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप। ओबा में रोडवेज बस में छाता लगाकर यात्रा कर रहे यात्री, बारिश में पानी टपकती बस का वीडियो वायरल। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता बने योगेश पवार, इससे पहले राजकीय निर्माण निगम के MD के पद पर थे तैनात। आगरा में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद दर्ज हुआ पहला मुकदमा, घर में चोरी के मामले में 4 लोगों पर होगी कार्रवाई। फतेहपुर में अवैध होटल पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, अवैध तरीके से बनाया गया था होटल। रायबरेली में क्षतिग्रस्त रास्ते को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जल भराव की स्थिति से ग्रामीण परेशान। देवरिया में DM और अधिवक्ताओं के बीच विवाद का मामला, अधिवक्ताओं ने DM के खिलाफ की नारेबाजी। बुलंदशहर में आगामी मुहर्रम से पहले जुलूस मार्गों का पुलिस ने लिया जायजा, इंतजामिया कमेटी से की परंपरागत तरीके से ताजिया निकालने की गई अपील। मैनपुरी में स्कूल में बच्चे ने लगाई फांसी, परिजनों ने लगाया स्कूल प्रबंधन पर फीस के लिए टॉर्चर करने का आरोप, मामले की जांच कर रही पुलिस। ग्रेटर नोएडा सदर तहसील में रिश्वत का खेल, लेखपाल ने किसान से काम करने के नाम पर की रिश्वत की मांग, वीडियो वायरल। सिद्धार्थनगर में 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। लखनऊ में STF को मिली बड़ी सफलता, इटावा से फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकराई कार, 3 युवकों की मौत। प्रयागराज में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर भड़के BJP कार्यकर्ता, राहुल गांधी के खिलाफ लगाए नारे। फरुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर से कुचलकर मां बेटे की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।